हेलो मेरे बच्चों, इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 द सॉलिड स्टेट का पार्ट 3। देखिए पार्ट 3 का आज जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा क्लोज पैक स्ट्रक्चर। देखिए अब तक हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, ये सारे इंटेक्स क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और पिछले जो भी टॉपिक्स हैं ये सब हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है सॉलिड स्टेट का तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करिएगा आपको पार्ट 1 पार्ट 2 मिल जाएंगे, या फिर आप YouTube पर सर्च भी कर सकते हो सॉलिड स्टेट्स बाय जीनियस लर्निंग क्लासेस, तो वहाँ आपको पार्ट 1 पार्ट 2 मिल जाएंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 से, ठीक है। पार्ट 3 में हम पढ़ने वाले हैं क्लोज पैक स्ट्रक्चर और इसके आगे के टॉपिक्स ये सारे कंप्लीट करेंगे हम। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, थ्री डायमेंशनल में क्लोज पैकिंग क्या होती है, और ये नोट्स हम साथ साथ बनाएंगे। तो साथ साथ पेन कॉपी निकालिए, हम साथ साथ नोट्स भी बनाएंगे, ये एग्जांपल्स भी करने वाले हैं इसी वीडियो में आज हम, और जितने भी इंटेक्स के क्वेश्चंस हैं ये भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। डेंसिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए पेन कॉपी निकाल के स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और नोट जो हम बना रहे हैं ना बच्चे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में, वो नोट्स आप साथ साथ ज़रूर बनाइएगा। चलिए तो आज की हेडिंग डालते हैं क्लोज पैक स्ट्रक्चर। अगर एनसीईआरटी के हिसाब से आप देखेंगे तो टॉपिक नंबर 1.6 है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। क्लोज पैक स्ट्रक्चर, और नोट्स जैसे पहले बनाए थे वैसे ही नोट्स यहाँ भी क्रिएट करते रहिएगा साथ साथ, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है बनाना साथ में, ठीक है। क्लोज पैक स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, लिखते हैं पहले। इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स, इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स द कंस्टिट्यूएंट्स बताया है ना पहले, एटम्स या पार्टिकल्स क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स। इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, किसी क्रिस्टल को बनाने के लिए द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, फिर ब्रैकेट में लिखिएगा एटम्स, मॉलिक्यूल्स, और क्या हो सकता है, और आयंस, गेट क्लोजली पैक टुगेदर। क्या मतलब है इसका कि किसी भी क्रिस्टल को अगर आपको बनाना है, इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गेट क्लोजली पैक टुगेदर। तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर का मतलब ही क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर क्लोजली पैक है, इसका मतलब है कि उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक किए गए हैं एक साथ, गेट क्लोजली पैक टुगेदर। क्लियर हुआ कि इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, किसी क्रिस्टल को बनाने के लिए उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, बहुत ही क्लोजली, बिल्कुल भी एक दूसरे के बीच में गैप नहीं है, ठीक है, जैसे इन दोनों के बीच में बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्लोजली पैक, कि उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही गेट क्लोजली पैक टुगेदर। क्लियर हुआ, ठीक है। और ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है या आयनिक स्ट्रक्चर है, ओके। चलिए आगे लिखिएगा इसमें, द क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर इज दैट इन विच एवेलेबल स्पेस, समझिएगा इस बात को, इन विच एवेलेबल स्पेस इज ऑक्यूपाइड इन लीविंग मिनिमम स्पेस। एक क्लोजली पैक स्ट्रक्चर क्या होता है, अ क्लोजली पैक स्ट्रक्चर इज दैट इन विच अवेलेबल स्पेस इन ऑक्यूपाइड इन लीविंग मिनिमम स्पेस। जो अवेलेबल स्पेस होगा ना वो ज़्यादा ऑक्यूपाइड होगा, और जो लीविंग स्पेस होगा, बचा हुआ होगा, वो क्या होगा, कम होगा। क्लियर हुई बात,
द क्लोजली पैक स्ट्रक्चर इज दैट इन विच अवेलेबल स्पेस इज ऑक्यूपाइड इन लिविंग मिनिमम स्पेस. ऑक्यूपाइड स्पेस ज़्यादा होना चाहिए और जो लिविंग स्पेस होगा बचा हुआ वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोजली पैक स्ट्रक्चर, कि कम से कम खाली जगह होनी चाहिए. क्लियर हुई ना बात, खाली जगह ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. ये क्या लिखा है, इन लिविंग मिनिमम स्पेस. क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं. वी कैन, अब हमको बनाने हैं क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 1D, 2D, 3D. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. वी कैन बिल्ड अप द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन थ्री स्टेप्स. देखिए यहाँ पर दे रखा है, जैसे ये एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है. ठीक है, अब इसको बनाने के लिए हमें थ्री स्टेप फॉलो करने होंगे. चलिए तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आता है स्टेप ए, क्लोज पैकिंग. बहुत इजी है ये तो. क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशंस, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशंस. देखिए सबसे पहले हम क्लोज पैकिंग बनाएंगे वन डायमेंशन में. क्लियर है, तो लिखिए आगे, इन वन डायमेंशनल, इन वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. देखिए क्लोज पैकिंग थ्री डायमेंशन में होती है, मतलब वन डायमेंशन में भी होती है पॉसिबल, टू में भी होती है और थ्री डायमेंशन में भी होती है. थ्री डायमेंशन में बनाने के लिए हमको थ्री स्टेप फॉलो करने हैं, जिसमें स्टेप ए क्या है अपना, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल. क्लियर, तो इन वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्पेयर्स क्या होते हैं, वही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्लेस्ड, स्पेयर्स आर प्लेस्ड इन अ रो. स्पेयर्स जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, एक रो में प्लेस कर दिए जाएंगे. क्लियर, टचिंग ईच अदर. देखिए कितना आसान है, एक ऐसे करके एक सर्कल बनाइए. ठीक है, स्पेयर एक, इसके बगल में एक और स्पेयर, इसके बगल में एक और स्पेयर, इसके बगल में एक और स्पेयर, इसके बगल में एक और, इसके बगल में एक और. तो ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या जो स्पेयर्स हो गए, इनको हमने अरेंज कर दिया एक रो में. ठीक है, इस रो में इस अरेंज करने को ही हम क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल. कि इन वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्पेयर्स आर प्लेस्ड इन अ रो टचिंग ईच अदर. सारे स्पेयर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. देखिए यहाँ पर ये टच हो रहा है ना. क्लियर हुई बात, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इसके आगे और भी आप बढ़ा सकते हैं ऐसे करके, लेकिन सारे स्पेयर एक दूसरे को टच होने चाहिए. क्लियर, इसको हम लिख क्या सकते हैं, ये है क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग है ऑफ स्पेयर्स इन कितनी डायमेंशन में बच्चे, वन डायमेंशन में, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन यूज करिए ना, इधर वाली डायमेंशनल. क्लियर है, इन वन डायमेंशनल. अब इसके आगे एक छोटा सा कंसेप्ट लिखिएगा, जरूरी है, कोऑर्डिनेशन नंबर. इसकी डेफिनेशन वगैरह पूछी जाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, बहुत आसान है, द नंबर ऑफ, समझिएगा, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर किसको कहते हैं, पड़ोसी को. ठीक है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ अ पार्टिकल्स, ऑफ अ पार्टिकल is called its coordination, is called its coordination number. आप इसको ब्रैकेट में c dot n भी लिख सकते हैं. ठीक है, क्या लिखा हुआ, the number of nearest neighbor, nearest मतलब बिल्कुल पास वाले, neighbors मतलब पड़ोसी. ठीक है, of a particle is called its coordination number. तो किसी भी स्पेयर का, जैसे इस स्पेयर की हम बात करें, तो इस स्पेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कि इसके अगल बगल में कितने
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके साथ है नियरेस्ट, तो नियरेस्ट इसके एक ये है ठीक है, और एक ये है, देखिए ये इससे टच इधर हो रहा है, 1D में तो यही होगा ना, 1 डायमेंशनल में, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा इस स्पेयर का, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्लियर हो गई। या फिर इस पूरी पैकिंग का ही कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 2, क्योंकि इसका भी 2 है, इसको अगर आप देखेंगे तो इसका ये हो जाएगा नियरेस्ट नेबर, और ये भी हो जाएगा तो इसका भी 2 हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम यहाँ लिख सकते हैं। सो इन 1 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा 2, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल खत्म, क्या होगा उसमें सारे स्पेयर्स को हमें अरेंज कर देना है इन 1 लाइन, क्लियर है, या इन अ रो। अब हम पढ़ते हैं बी, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल, क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशनल, और सभी टॉपिक्स एनसीईआरटी से ही होंगे ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी के करेंगे। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल, तो इसमें क्या होगा 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, साथ साथ लिखिएगा जरूर, लिखने से अच्छा समझ में आता है। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स आर जनरेट्स मतलब बनाना, आर जनरेट्स बाय प्लेसिंग द रोज ऑफ क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर बाई प्लेसिंग द रोज ऑफ क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स। देखिए क्या मतलब है इसका, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स आर जनरेट बाई प्लेसिंग द रोज ऑफ क्लोज पैक स्ट्रक्चर ऑफ 1 डायमेंशनल टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कैसे जनरेट होगी, बाई प्लेसिंग द रोज ऑफ क्लोज पैक स्ट्रक्चर ऑफ 1 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल की जो रोज थी ना उनको साथ साथ अगर हम प्लेस करते जाएं, एक के बगल में एक रखते जाएं, तो उससे हम क्या बना सकते हैं 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, क्लियर हुई बात ठीक है। कैसे बनेगी इस चीज़ को समझिएगा, इसके 2 तरीके होंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं हम रोज आर कंबाइंड इन फॉलोइंग 2 वेज, जो अभी हमने रो बनाए थे ना 1 डायमेंशनल के, उसको हम 2 तरीके से लगा सकते हैं, क्यों, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बनाने के लिए, क्लियर। जैसे तो पहला तरीका स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और इसको आप ए ए टाइप भी बोल सकते हैं, ऐसे ए ए करके डॉट डॉट लगा के ए ए टाइप अरेंजमेंट, क्लियर। देखिए इसमें क्या करना होगा, आप चाहें तो पहले ऐसे बना सकते हैं, देखिए ऐसे एक स्पेयर बनाया आपने ठीक है, एक स्पेयर और बनाया हमने, ये ए टाइप पैकिंग है 1 डायमेंशनल में ठीक है, पहले भी बनाई थी ना। अब एक ये रो हो गई, एक रो कंप्लीट हो गई, इसी के बगल में अगर एक और रो बना दें हम, देखिए ऐसे करके एक रो, इसके बगल में एक और रो ये रही, और एक ये दूसरी रो हो गई अपनी, तो ये हो गई ए टाइप, क्लियर है। और इसके बगल में एक ये दिख रही है ना, एक रो हो गई ये पूरी, इसके बगल में एक और रो हमने बना दी, सिमिलर इसके बगल में एक और रो बना सकते हैं, ये रो पूरी ऐसे करके, ये पेन रखा है ना ऐसे सीधे, ऐसे रो हो जाएगी, ये दूसरी रो हो जाएगी, अब ये तीसरी रो आएगी,
ठीक है, और ये सारे एटम्स एक दूसरे से, देखिए बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल एक जैसी रो है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, क्लियर। चलिए अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोला जाता है इसके, यहाँ स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब ये स्क्वायर नहीं है कि ये स्क्वायर में हमने जैसे इसके आगे आप सोचें कि एक ऐसे करके सर लगा देंगे और ये एक स्क्वायर टाइप हमें दिख रहा है ना, नहीं ये मतलब नहीं है इसका, ठीक है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोला जाता है इसको समझिएगा, ये सब ए ए टाइप पैकिंग है, ये सारी रोज को हमने अरेंज कर दिया, समझिए। देखिए इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, इस तरह के अरेंजमेंट में, इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट द स्पेयर्स आर प्लेस्ड इन सच अ वे, द स्पेयर्स आर प्लेस्ड इन सच अ वे, अब समझिएगा ध्यान से, दैट द रोज हैव अ हॉरिजॉन्टल, रोज हैव अ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, अलाइनमेंट का मतलब होता है कि ये सारे जो स्पीयर्स हैं वो हॉरिजॉन्टली भी एक लाइन में है और वर्टिकली भी एक लाइन में है, तो ये वर्टिकल अलाइनमेंट और ये हो जाएगा अपना हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। अगर इधर स्पीयर्स देखेंगे तो यहाँ भी ये वर्टिकल अलाइनमेंट, ये भी एक वर्टिकल अलाइनमेंट, ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, क्लियर। तो इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट द स्पेयर्स, जो स्पेयर्स हैं आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द रोज हैव अ हॉरिजॉन्टल, रोज हैव अ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एज वेल एज द वर्टिकल अलाइनमेंट, कि रोज जो है वो हॉरिजॉन्टल में भी है और वर्टिकल में भी क्या अलाइंड है, क्लियर है। आगे लिखते हैं इसी में, इन दिस स्पेयर्स ऑफ सेकेंड रो, इस चीज़ को समझिएगा, स्पेयर्स ऑफ सेकेंड रो, स्पेयर्स ऑफ सेकेंड रो कौन से हैं, ये वाले कौन से हैं, स्पेयर्स ऑफ सेकेंड रो, अगर इसको फर्स्ट माने तो स्पेयर्स ऑफ सेकेंड रो आर प्लेस्ड एग्जैक्टली एबव द फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, रोज नहीं रो, फर्स्ट रो, द स्पेयर्स ऑफ सेकेंड रो, स्पेयर्स ऑफ द सेकेंड रो आर प्लेस्ड एग्जैक्टली एबव द फर्स्ट रो, अगर आप इसको फर्स्ट बोल दें तो इसको सेकेंड बोल सकते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट रो हो गई अपनी, ये सेकेंड हो गई, तो सेकेंड रो के जो स्पेयर्स हैं वो बिल्कुल एबव होंगे किसके, फर्स्ट रो के स्पेयर के ऊपर, ये वाला स्पेयर इसके ऊपर होगा, ये इसके ऊपर होगा, ये इसके ऊपर, ये इसके, ये इसके, ये इसके, क्लियर है। तो सारे स्पेयर सेकेंड रो के फर्स्ट रो के क्या होंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर होंगे, क्लियर हो गया। चलिए आगे लिखिए, इन दिस अरेंजमेंट, इन दिस अरेंजमेंट स्पेयर्स, इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है, इन दिस अरेंजमेंट स्पेयर्स आर फाउंड टू फॉर्म स्क्वायर्स That's why they called square closed packing structure. देखिए क्या लिखा, in this arrangement spheres are found to form, जो स्पेयर्स हैं वो फाउंड टू फॉर्म मतलब दिख रहे हैं क्या करे हुए, दैट स्क्वायर, दैट्स वाई दे आर स्क्वायर, दे फॉर्म स्क्वायर्स, जो स्पेयर्स हैं वो क्या बना रहे हैं, स्क्वायर्स बना रहे हैं। सर कैसे बना रहे हैं, मतलब ये नहीं है कि ये स्क्वायर में भी हमने लगा दिए हैं तो आप इसको स्क्वायर पैकिंग बोलेंगे, क्लियर है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये वाला स्पेयर, ठीक है, ये वाला स्पेयर इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा है, क्लियर, और दिख रहा है, दिख रहा है, ये वाला स्पेयर अपना इस वाले से जुड़ा है, देखिए डायरेक्ट इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा है,
तो अगर हम इसको देखें, इनके सबके सेंटर लेटाइस पॉइंट जिन्हें बोल सकते हैं, इन सबके सेंटर्स को जोड़ें तो ये एक स्क्वायर बना रहा है। क्लियर हुई बात है? नहीं तो स्पेयर्स आर फाउंड टू फॉर्म स्क्वायर, दैट्स वाई आर कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। क्लियर हुई बात? ऐसे आप किसी भी स्पेयर को देखें, अगर आप इसको देखते हैं तो इसमें ये इससे टच होगा, ये टच होगा, ये टच होगा और ये टच होगा, ये देखिए ये टच। और इनके जब हम लेटाइस पॉइंट को फिर से बनाएंगे तो ये क्या बना रहे हैं? स्क्वायर्स बना रहे हैं। क्लियर है? समझ आई बात? ऐसा स्ट्रक्चर आपका देखिए यहाँ भी है, यहाँ पर ये वाला स्पेयर जो है, ये वाला स्पेयर, ये इससे टच और इनके जब लेटाइस पॉइंट लिए तो ये क्या बना रहा है? एक स्क्वायर बना रहा है, इसीलिए इनको बोला जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब यहाँ पर क्या है, एक स्क्वायर में, ये तो रेक्टेंगल में लगे हैं सारे स्पेयर, लेकिन क्योंकि इनका ये जो नेबरहुड है, नेबरहुड स्पेयर्स हैं, इनके लेटाइस पॉइंट को जब हमने जोड़ा तो उससे एक स्क्वायर बना, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। क्लियर हुई बात? चलिए आगे लिखते हैं। चलिए सेकंड है अपना हेक्सागोनल, इसी में सेकंड क्यों? क्योंकि देखिए ये अपना जो स्क्वायर ये है, क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल, वो दो तरीके से हो सकता है। पहला कैसे हो सकता है? यहाँ लिखा है ना कि रोज को दो तरीके से लगा सकते हैं, पहला तो एग्जैक्टली अबव द वन, ठीक है, जिससे हमें क्या बना? स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, ये बन गया हमारा। अब सेकंड क्या है? सेकंड है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, तो इसको लिखते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। और इसको जैसे उसको हमने ए ए टाइप बोले थे ना, इसको हम ए बी टाइप बोलते हैं, ए बी टाइप। क्लियर हो गई बात? उसको हमने क्या बोला था? ए टाइप। ये भी टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, लेकिन इसको हम ए बी टाइप बोलेंगे। क्लियर? टाइप अरेंजमेंट, ठीक है, नोट करिए इतना। स्ट्रक्चर बनाइए, देखिए यहाँ पर क्या करना है, फिर से अगेन स्पेयर्स बनाने, जैसे पहले बनाए थे ना, एक स्पेयर ऐसे बनाया, एक और इसके बगल में, एक और, पहले एक रो बनाते हैं, ठीक है, एक और। अब जो सेकंड रो होगी, देखिए जो सेकंड रो होगी वो पिछली बार की तरह नहीं बनानी, एग्जैक्टली अबव, ठीक है। सेकंड रो इस बार हमको ये जो बीच में गैप है ना, यहाँ पर बनाना है, समझिएगा। सेकंड रो का बनानी है हमको इस गैप में बनानी है। क्लियर हुई बात? यहाँ पर जो सेकंड रो होगी वो कहाँ बनेगी? इस गैप में, इस गैप में। क्लियर हुई ना? पिछली बार हमने क्या करा था, पिछले वाले में, कि हमने इसके जस्ट नीचे बनाया था, या एबव बोल सकते हैं या नीचे बोल सकते हैं, बिलो, ठीक है। लेकिन इस बार हम जो जगह खाली है यहाँ पर, डिप्रेशन बोला जाता है इसको, ठीक है, इस जगह पर हम सेकंड रो बनाएंगे। क्लियर है? मतलब सेकंड रो का जो स्पेयर होगा वो इस गैप के बगल में होगा। क्लियर? और इसके नेक्स्ट वाला कैसा हो जाएगा? कुछ इस तरीके से। क्लियर? अब जो नेक्स्ट रो होगी इसके नीचे वाली, वो बिल्कुल एग्जैक्टली ये होगी, जैसी ये है ना ऊपर वाली, बिल्कुल वैसी ऐसे करके। क्लियर है? तो ये स्पेयर अपने आप इस गैप में आ जाएगा, फिट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ये दोनों ऐसे करके अटैच होंगे, ये भी ऐसे बनेगा, ये भी ऐसे बनेगा। अब इसके नीचे वाली रो कैसी होगी? वो बिल्कुल ऐसी होगी जो ये सेकंड वाली रो है। क्लियर? कहाँ पर? इस गैप पे ऐसे करके क्लिक बनाइए। क्लियर? ठीक है, इसके नीचे वाली रो कैसी होगी? ऐसी वाली। ध्यान से देखिए, सब इस डिप्रेशन में, डिप्रेशन मतलब ये जगह खाली है, इसके अंदर टच करते हुए जा रहे हैं ना। और पिछले में कैसे बनाए थे हमने, कि जस्ट एक के नीचे एक बना दी थी। तो यहाँ पर अगर हम इस रो को, अगर ए रो बोलेंगे इस वाली रो को, ये जो पेन रख दिया सीधे, इसको ए रो बोलेंगे, तो ये इस जैसी रो नहीं है ना, ये बी रो मानी जाएगी। फिर ये ए रो होगी, क्यों? क्योंकि ये इस जैसी रो है, बिल्कुल एक जैसे है ना। देखो इसका लेटाइस पॉइंट, इसका लेटाइस पॉइंट एक ही लाइन में आ रहा है, देखिए आ रहा है ना एक ही लाइन में। और फिर अगर इसको और इसको देखें तो ये दोनों एक जैसी रो है, ये वाली रो और ये वाली रो, ये दोनों रो कैसी है? एक जैसी। तो ये भी हो जाएगी बी रो, फिर कैसी हो जाएगी? ये ए, तो इसलिए ये ए बी ए बी ए बी। क्लियर हुई बात? इसके नीचे और बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा? इसके नीचे। क्लियर हुई? ठीक है ना?
और इसके नीचे और बनाना चाहते हैं तो वो इस जैसी आएगी, ये क्या हो जाएगी, अब बी हो जाएगी। तो ए के नीचे बी, ए के नीचे बी, ए के नीचे बी। चलिए इसमें लिखते हैं हम कि इसको बनाने के लिए, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाने के लिए हमें क्या करना होता है। अब इसे हेक्सागोनल क्यों कहते हैं, आप यहीं समझ सकते हैं। देखिए किसी भी स्फीयर को ले लें आप, किसी भी स्फीयर को, मान लीजिए इसको ले लेते हैं हम, ठीक है, जैसे क्लोज स्क्वायर समझे थे ना, वैसे यहाँ पर हम हेक्सागोनल समझ सकते हैं कि इस स्फीयर को अगर हम ले लें तो इस स्फीयर से टच होने वाले स्फीयर कौन कौन से हैं। देखिए क्लियरली देखिएगा, तो एक ये वाला स्फीयर इससे टच हो रहा है, इससे ये टच हो रहा है ना, इससे ये भी टच हो रहा है, ठीक है, इससे ये भी टच हो रहा है, फिर इससे ये भी टच हो रहा है, इस जगह पर हो रहा है ना, फिर ये भी टच हो रहा है इससे, और ये भी टच हो रहा है। तो इस स्फीयर को अगर हम देखें कि इससे जो स्फीयर टच हो रहे हैं वो ये, और इनके लैटाइस पॉइंट मतलब सेंटर पॉइंट अगर हम लें और इन सबको जोड़ दें, देखिए ऐसे करके जोड़ दिए, तो ये क्या बन गया, एक हेक्सागोनल बन गया ना। हेक्सागोनल मतलब जो छह साइड वाला होता है, एक दो तीन चार पाँच छः, सारी इक्वल साइड, क्लियर हुई बात। तो ये क्या, हेक्सागोनल बन गया। आप अगर इसको लेते तो ये 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 और ये और ये आ जाते, तो अभी एक हेक्सागोनल बन जाता। इसको लेते तो कौन से होते, ये एक हेक्सागोनल बन जाता, क्लियर हो रही है बात। देखिए ऐसे करके ये क्या बन गया, फिर से एक हेक्सागोनल बन जाता, ऐसे बनता ना, बना हेक्सागोनल, ठीक है। तो ऐसी पैकिंग को हम क्या बोलते हैं, ए बी, ए बी बोलते हैं, या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। और जो पहले बनाए थे हम ए टाइप वाली, उसको हम क्या बोले थे, उसको हम बोले थे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्लियर हुआ, क्योंकि ये इससे टच होने वाले स्फीयर स्क्वायर बनाते हैं। चलिए तो आगे लिखते हैं इसी में, देखिए नोट ज़रूर बनाइएगा, केमिस्ट्री नोट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, सॉरी केमिस्ट्री के लिए नोट्स बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। इन दिस अरेंजमेंट, इन दिस अरेंजमेंट स्फीयर्स, जो स्फीयर्स होंगे अब इस चीज़ को लिखेंगे ना और अच्छा समझ में आएगा। इन दिस अरेंजमेंट स्फीयर्स आर पैक्ड, जो स्फीयर्स होंगे वो पैक्ड होंगे इन सच अ वे, इस तरीके से, दैट द स्फीयर, इस चीज़ को ध्यान से देखिए, स्फीयर इन सेकंड रो, स्फीयर इन सेकंड रो आर प्लेस्ड, देखिए स्फीयर्स इन सेकंड रो, सेकंड रो कौन सी है, ये वाली है, फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ठीक है, आर प्लेस्ड इन डिप्रेशन, आर प्लेस्ड इन डिप्रेशन, स्फीयर्स इन सेकंड रो आर प्लेस्ड इन डिप्रेशन, ये डिप्रेशन होता है, ये जो जगह खाली है ये क्या, डिप्रेशन, स्फीयर्स ऑफ सेकंड रो आर प्लेस्ड इन डिप्रेशन, क्लियर है, बिटवीन द, और किन के डिप्रेशन में, बिटवीन द स्फीयर्स ऑफ फर्स्ट रो, स्फीयर्स ऑफ फर्स्ट रो, क्लियर हुई बात, कि स्फीयर्स ऑफ सेकंड रो आर प्लेस्ड इन डिप्रेशन ऑफ द स्फीयर्स ऑफ द, बिटवीन द स्फीयर्स ऑफ द फर्स्ट रो, क्लियर। आगे लिखते हैं, इन दिस अरेंजमेंट, इन दिस अरेंजमेंट सेकंड रो इज डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, इस अरेंजमेंट में जो सेकंड रो होगी वो फर्स्ट रो से क्या है, डिफरेंट, क्यों, क्योंकि फर्स्ट रो के नीचे थोड़ी आई है, इसलिए ये क्या होगा, ये वाली रो अलग है और ये रो अलग है, इसको ए बोलेंगे तो इसको बी बोलेंगे, क्लियर है। आगे, इन दिस अरेंजमेंट, अगेन इन दिस अरेंजमेंट सेंटर, इस चीज़ को समझिएगा, सेंटर ऑफ द नेबरिंग, नेबरिंग बताया था ना, पड़ोस वाले, नेबरिंग, इन दिस अरेंजमेंट सेंटर ऑफ द नेबरिंग, इन दिस अरेंजमेंट, जैसे इस स्फीयर को लिया तो इसके नेबर कौन है, ये है, ये है, ये है, ये है नेबर, ये है, ये है, ठीक है, सेंटर ऑफ द नेबर, सेंटर ऑफ द नेबरिंग स्फीयर, स्फीयर्स आर फाउंड
क्या बना रहे हैं बताइए, आर फाउंड टू फॉर्म, कौन सी शेप बना रहे हैं? ये बना रहे हैं हेक्सागोन, आर फाउंड टू फॉर्म हेक्सागोन। क्लियर हुई बात? ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। सो इट इज कॉल्ड हेक्सागोनल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग इन टू डायमेंशनल, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल इन क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल। क्लियर है? तो एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, क्लोज पैकिंग क्या होती है? क्लोज पैकिंग होती है कि स्पेयर्स को क्लोजली पैक करने को बोलते हैं क्लोज पैकिंग। क्लियर है? द क्लोज पैकिंग इज दैट इन विच अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाइड इन लीविंग मिनिमम स्पेस, कम से कम स्पेस छूटा होना चाहिए। फिर ये कितनी तरीके से बन सकती है क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर? तीन तरीके से। पहला, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल, जिसमें स्पेयर्स एक के बगल में एक लगाते हैं, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर टू होता है। फिर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल, इसमें क्या होता है, टू डायमेंशनल में जिसमें एक रो के बगल में दूसरी रो लगाते हैं। और टू डायमेंशनल भी दो तरीके से बन सकती है, पहली स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ए टाइप वाली, जिसमें एक स्क्वायर बनता है, ठीक है। और यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, यहाँ पर यहाँ आप लिख सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर जो होता है 4। क्लियर है? या फिर इसको आप याद कर सकते हो कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बच्चों, 4। सेकंड, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ए बी ए बी टाइप में, या हेक्सागोनल क्यों बोला जाता है, बनती कैसे है, डिप्रेशन में अगर स्पेयर्स को लगा देंगे, और इसको हम ए बी ए बी बोलते हैं, ठीक है। और ये हेक्सागन बनाता है, और इसका अगर आपसे कोई कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो क्या हो जाएगा, सी एन करके लिख सकते हो, कितना हो जाएगा, 6। क्लियर हो गई बात? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशनल। चलिए लिखते हैं आगे। देखिए, टू डायमेंशनल के बनाने के लिए हमने वन डायमेंशनल ऐड करा था, ऐसे थ्री डायमेंशनल के लिए हम टू डायमेंशनल ऐड करेंगे, ठीक है। तो पहले लिखिए यहाँ पर क्लोज्ड पैकिंग इन थ्री डायमेंशंस। देखिए, थ्री डायमेंशनल की पैकिंग बनती कैसे है ना, पहले थोड़ा सा इसको बना के देखिएगा अच्छे से। देखिए, एक स्पेयर बनाया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक स्पेयर बनाया, ठीक है, इसके बगल में एक और स्पेयर बनाते हैं, एक और, एक और, एक और बना लिया। अब इसके जस्ट नीचे एक और स्पेयर, ठीक है, समझिएगा ये बहुत थोड़ा टेढ़ा काम है, इसके नीचे, इसके नीचे, फिर ऐसे इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, इसके नीचे। तो आप सोच रहे हैं, अरे सर ये तो टू डायमेंशनल वाली बना रहे हैं ना, नहीं। अब इसके ऊपर देखिए, इसका सेंटर ऐसे करके जोड़ने की कोशिश करिए, फिर इसका और इसका ऐसे करके जोड़ने की कोशिश करिए, फिर इसका, फिर इसका, फिर ऐसे ही यहाँ पर ऐसे इसको ऐसे आधा कर दीजिए और इसको जोड़ने की कोशिश करिए, इनके ऊपर ऊपर वाले पार्ट, ठीक है। अब ऐसे ही इसको ऐसे करके जोड़िए, फिर ऐसे इन दोनों के इसको जोड़िए, इसको जोड़िए। क्लियर हुई बात? ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या करिए, इन दोनों के ऐसे करके सेंटर जोड़ने की कोशिश करिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से जोड़े ना। अब इस ये थोड़ा सा आगे आना चाहिए था, ऐसे यहाँ पर आएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे ही ये इससे जोड़ दीजिए, ठीक है, और ये इससे आगे, और ये इससे आगे, ये इसके नीचे। तो देखिए, ऐसा इस नज़र आ रहा है ना कि ये क्या बन गई, ये थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बन गई। ये इधर की तरफ हो जाएंगे, ठीक है, और ये सामने की तरफ, और ये इधर पीछे की तरफ। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, अब इसको समझते हैं कि ये बनी कैसे है। देखिए, लिखे आगे लिखते हैं, थ्री डायमेंशनल क्या होता है, जिसकी तीन एक्सेस होती हैं। एक एक्सेस क्या हो जाएगी, देखिए, एक एक्सेस इधर, ठीक है, एक एक्सेस इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, और एक इधर की तरफ। क्लियर वही बात? इसे बोलते हैं थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम किससे बनाएंगे हम, फ्रॉम टू डायमेंशनल
अब टू डायमेंशनल में दो थी हम किससे बनाने वाले हैं, फ्रॉम टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग से, स्क्वायर वाले से, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्लियर हुआ, इतना नोट कीजिए। चलिए आगे लिखते हैं इसमें, हेयर द स्पेयर्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द अपर लेयर आर प्लेस्ड, द स्पेयर्स ऑफ द अपर लेयर आर प्लेस्ड, अपर लेयर मतलब जैसे इसको अगर आप समझें तो ये करके एक लेयर है ये पूरी, इस तरीके से टॉप व्यू से देखें तो इसके नीचे एक और लेयर होगी, इसके नीचे एक और लेयर, इसके नीचे एक और लेयर, ठीक है। तो स्पेयर्स ऑफ द अपर लेयर, ये अपर लेयर के जो स्पेयर्स हैं आर प्लेस्ड एग्जैक्टली ओवर द फर्स्ट लेयर, एग्जैक्टली ओवर द फर्स्ट लेयर सच दैट, बिल्कुल एग्जैक्टली क्या होंगे कि इसका जो स्पेयर होगा वो इसके नीचे वाली लेयर के जस्ट ऊपर होगा, जैसे ये वाला ये पूरी लेयर हो गई, ये इसी में आएगा, ठीक है। तो ये इसके ऊपर है, इसके ऊपर ऐसे ये वाला स्पेयर इस वाली लेयर के यहाँ जो स्पेयर होगा उसके जस्ट नीचे होगा। क्लियर है। तो स्पेयर्स ऑफ द फर्स्ट अपर लेयर आर प्लेस एग्जैक्टली ओवर द फर्स्ट लेयर सच दैट स्पेयर्स ऑफ द लेयर्स, स्पेयर्स ऑफ द लेयर आर परफेक्टली अलाइंड हॉरिजॉन्टली, आर परफेक्टली अलाइंड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ए ऑफ ए डॉट डॉट टाइप पैटर्न। जो ये अरेंजमेंट देंगे या फिर टाइप पैटर्न देंगे वो कैसा देंगे, ए टाइप पैटर्न देंगे। कैसे कि ये भी सब ए है, ये भी ए है, अगर इसके नीचे हम देखें तो ये एक दूसरे के नीचे स्पेयर्स होंगे वो भी ए टाइप होंगे। क्लियर है। और आगे इसमें देखो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, पैटर्न लेटाइस इज कॉल्ड, इस लेटाइस को हम, ये लेटाइस ही तो बन गया, बोला था ना कि स्पेयर्स को अगर एक थ्री डायमेंशनल में हम लगा दें तो उसको हम एक लेटाइस बोलते हैं, और लेटाइस इज कॉल्ड, कौन सी लेटाइस है ये, लेटाइस इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक यूनिट लेटाइस। कौन सी लेटाइस होगी ये, सिंपल क्यूबिक। कैसे समझेंगे, यहाँ पर देखिए अच्छे से दिख रहा है, ये दिख रहे हैं जी ये स्पेयर, अब इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे, और आप इस तरीके से देख सकते हैं इसको एक रो, अगर हम इसको एक वो माने, एक टू डायमेंशनल माने, जस्ट इसके नीचे एक और टू डायमेंशनल है ना, ये रही, इसके जस्ट नीचे एक और टू डायमेंशनल, इसके भी जस्ट नीचे एक और टू डायमेंशनल, तो इससे बनने वाली जो क्लोज पैकिंग है, ये जो लेटाइस बन गया ना एक, इस लेटाइस को कौन सा लेटाइस बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक लेटाइस। क्लियर हो गई। सिंपल क्यूबिक कौन सा होता है, जिसके कॉर्नर्स में एटम्स होते हैं, अब इसका एक अगर यूनिट सबके सेंटर से निकालें तो एक यूनिट सेल मिलेगा, उस यूनिट सेल में कॉर्नर्स पे क्या होंगे, ये एटम्स होंगे। क्लियर हुई बात, जो हमने पहले पढ़ा था पार्ट वन में, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे इसमें लिखते हैं, अब इसमें भी दो तरीके से बन सकते हैं, टू टाइप्स ऑफ थ्री डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग कैन बी ऑब्टेंड। कितनी तरह की बन सकती हैं, दो तरह की। कैसे बन सकती हैं, चलिए देखते हैं। ए क्या है इसमें, थ्री डायमेंशनल, पहली क्या होगी, थ्री डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग फ्रॉम मतलब किससे, फ्रॉम टू डायमेंशनल में दो थी ना, तो थ्री डायमेंशनल की भी कितनी बनेगी, दो। पहली किससे बनेगी, फ्रॉम टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग,
क्लियर हुई बात। थ्री डायमेंशनल में दो बनेंगी, पहली किससे बनेगी स्क्वायर क्लोज पैकिंग से, और दूसरी किससे बनेगी आपको पता ही है, दूसरी बनेगी सर हेक्सागोनल से, है ना। तो थ्री डायमेंशनल सेकंड हो जाएगी, थ्री डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशनल, कौन सी टू डायमेंशनल सर, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड लेयर्स, लेयर्स या स्ट्रक्चर या पैकिंग कुछ भी बोल सकते हैं। क्लियर, ठीक है, चलिए बनाते हैं। अब आगे और समझते जाइएगा। थ्री डायमेंशनल लैटाइस आर फॉर्म्ड, थ्री डायमेंशनल लैटाइस आर फॉर्म्ड व्हेन वेयर स्पेयर्स ऑफ वन लेयर, वन लेयर मतलब एक पूरी लेयर, अभी बताई थी ना एक ऐसे करके ये लेयर पूरी लेयर, ठीक है, और वन लेयर प्लेस्ड ओवर अदर लेयर। क्लियर हुई बात। तो थ्री डायमेंशनल में भी कितने बनेंगे बच्चे, दो बनेंगे, पहला बनेगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग से और दूसरा बनेगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से। कैसे बनता है थ्री डायमेंशनल वेयर स्पेयर्स ऑफ वन लेयर, जब एक लेयर, ये एक लेयर आपकी एक दूसरी लेयर के जस्ट ऊपर रखी जाएगी। क्लियर, चलिए अब यहाँ से इंटरेस्टिंग टर्म आता है, वो आता है वॉइड का कंसेप्ट, ठीक है। तो अब हमें समझना होगा बच्चे वॉइड का कंसेप्ट, ठीक है, हमें ये नहीं बनानी अब सीधे, हमें कंसेप्ट सीखना है वॉइड का, इस कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा अच्छे से। चलिए लिखे आगे, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है। व्हेन एवर अ स्फीयर ऑफ सेकेंड लेयर, व्हेन एवर अ स्फीयर ऑफ सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर, अरे सर ये टर्म कहाँ से आया, वॉइड है ना नया, वॉइड कहते हैं खाली जगह को, वॉइड कहते हैं लिविंग स्पेस को, ब्लैंक स्पेस को। वॉइड का मतलब क्या होता है, वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, क्या होता है एम्प्टी स्पेस, ऐसा स्पेस जो बचा हुआ रह गया, जहाँ पर हमारा स्फीयर नहीं पहुँचा है या फिर एटम नहीं पहुँचा है, ठीक है, वो जगह खाली है उसको हम बोलते हैं वॉइड। क्लियर है, तो वॉइड तो बहुत जगह हमने देखा है, देखिए कितने सारे वॉइड देखे अभी हमने, ये जो जगह खाली है ये सब क्या है, ये सब वॉइड है, ये सब खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। क्लियर है, एम्प्टी स्पेस को क्या बोला जाता है, वॉइड। तो व्हेन एवर स्फीयर ऑफ सेकेंड लेयर, जब हम एक सेकेंड लेयर लगाते हैं किसके ऊपर, प्लेस्ड ओवर द वॉइड ऑफ द फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर को अगर हम वॉइड्स ऑफ द फर्स्ट लेयर पर रखेंगे, समझिएगा, अ टेट्राहेड्रल, इस चीज को समझते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड, अ टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड। अगर स्फीयर, देखिए जैसे ये फर्स्ट लेयर हमने बना ली, ठीक है, अब सेकेंड लेयर को अगर हम, ये फर्स्ट लेयर मान लेते हैं इसको, ठीक है, ये क्या हो जाएगी अपनी फर्स्ट लेयर, है ना। तो फर्स्ट लेयर को अगर हम सेकेंड लेयर, और सेकेंड लेयर ऐसी है, ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि सेकेंड लेयर ऑफ सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर की वॉइड्स पे ही तो रखा जा रहा है, वॉइड्स के ऊपर, तो इस केस में क्या बनेगा, इस केस में टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। क्लियर है, अभी और अच्छे समझ में आएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड एंड व्हेन द ट्रायंगुलर वॉइड, एंड व्हेन द ट्रायंगुलर वॉइड इन द सेकेंड लेयर, एंड व्हेन द ट्रायंगुलर वॉइड इन द सेकेंड लेयर आर अबव द ट्रायंगुलर, अबव द ट्रायंगुलर वॉइड इन द
फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लेयर एंड द ट्रायंगुलर शेप्स ऑफ दिस वॉइड्स एंड द, आगे लिखिए इसमें लिखिए, एंड द ट्रायंगुलर शेप्स ऑफ दीज वॉइड्स, इस चीज़ को और अच्छे समझेंगे अभी किताब की मदद से, ऑफ दीज वॉइड्स डू नॉट ओवरलैप, डू नॉट ओवरलैप सच वॉइड्स आर सराउंडेड बाई सिक्स स्पीयर्स, सच वॉइड्स आर सराउंडेड बाई सिक्स स्पीयर्स एंड आर कॉल्ड ऑक्ट्रा हेड्रल, हेड्रल वॉइड्स। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा किताब उठा के समझाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो डॉटेड वाली लाइन है नज़र आ रही है, ये डॉटेड वाली लाइन एक फर्स्ट लेयर हो गई अपनी, डॉटेड वाली लाइन क्या हो गई, फर्स्ट लेयर। ठीक है, फर्स्ट लेयर कौन सी है, ये हेक्सागोनल वाली। ठीक है, हम कौन सी बात कर रहे हैं, हेक्सागोनल। अगर सिंपल वो स्क्वायर वाली होगी तो एक सिंपल क्यूबिक वाला बन जाएगा, लेकिन जब ये बनाएंगे हेक्सागोनल बनाएंगे तो इसमें एक वॉइड का कंसेप्ट आता है। अब वॉइड का कंसेप्ट कैसे आता है समझिए, ये हो गई फर्स्ट लेयर डॉटेड वाली। ठीक है, अब इस डॉटेड वाली के ऊपर हमने अगर सेकंड लेयर जब रखने जाएंगे, क्या रखने जाएंगे, सेकंड, तो सेकंड लेयर को जिस तरीके से रखेंगे समझिएगा, इस चीज़ को पढ़िएगा, वेन एवर अ स्पीयर ऑफ सेकंड लेयर, वेन एवर अ स्पीयर ऑफ सेकंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर। तो यहाँ सेकंड लेयर का स्पीयर कहाँ है, देखिए सॉरी, ये अपनी फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, सॉरी ये वाली क्या है, फर्स्ट लेयर, इसको हम फर्स्ट लेयर मानते हैं। ठीक है, ठीक है, सॉरी, ध्यान से समझिएगा, ये जो डार्क वाली है इसको हम क्या मानते हैं, फर्स्ट लेयर, और इसको हम क्या मानते हैं, डॉटेड वाली को, सेकंड लेयर। क्लियर है, गलती हो गई, ये समझ गए ना, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ सर ये समझ में आ गया हमें, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर, नहीं तो टेंशन रहेगी यार। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेयर कौन सी, डार्क वाली, ये रेड वाली, और ये डॉटेड वाली क्या, सेकंड लेयर। तो फर्स्ट लेयर हमने लगा दी एटम्स की, देखिए ऐसे लगा दी, ऐसे लगा दी, ऐसे लगा दी। अब सेकंड लेयर की बात करते हैं, सेकंड लेयर पर चलिए बना ही लेते हैं, ठीक है ना, देखिए एक बना के देखते हैं, मस्त ऐसे करके बनाइए साथ साथ। ठीक है, ये थ्री डायमेंशनल कंसेप्ट था, अब हम इसको ऐसे टू डायमेंशनल के हिसाब से समझेंगे कि लेयर के हिसाब से, ये बना ली। ठीक है, और हेक्सागोनल बनाने के लिए आपको पता है यहाँ पर हमें लगाने होते हैं, क्लियर होगा, क्लियर, कहाँ पर, हेक्सागोनल में इसके डिप्रेशन में लगाते हैं, याद है ना, ए बी टाइप पैकिंग के लिए। ठीक है, और फिर थर्ड कैसे बनेगी, इसके ऊपर ऐसे करके इसके डिप्रेशन में, ये कैसा है, ये ए होगा, बताए थे ना अभी, क्लियर हुई बात। ठीक है, इसके आगे ऐसा बन जाएगा, इसके आगे ऐसा बन जाएगा, तो ये हो जाएगी अपनी वो रेड वाली। तो यहाँ पर समझिए, वेन एवर अ स्पीयर ऑफ सेकंड लेयर, अब ये एक लेयर तो बन गई हमारी हेक्सागोनल वाली, अब इसके ऊपर एक और लेयर बनाएंगे तभी तो हमारी थ्री डायमेंशनल बनेगी ना। तो वेन एवर अ स्पीयर ऑफ सेकंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द वॉइड ऑफ द फर्स्ट लेयर, यहाँ बताओ वॉइड कहाँ है, वॉइड ये रहे, वॉइड ये, वॉइड ये, वॉइड ये, वॉइड ये, वॉइड ये, वॉइड। तो अगर अब हम स्पीयर इन वॉइड के ऊपर रखते हैं तो वॉइड के ऊपर स्पीयर कैसे रखा जाएगा, देखिए स्पीयर होता है गोल। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर ये रखेंगे, क्लियर हुई बात। अब यहाँ पर ये वॉइड है तो यहाँ कैसे रखा जाएगा, इसके ऊपर स्पीयर ऐसे करके रखेंगे, समझ में आ रहा है ना, ये वॉइड है इसके ऊपर स्पीयर हम ऐसे करके रखेंगे, इसके ऊपर स्पीयर ऐसे रखेंगे, ये वॉइड से इसके ऊपर हम स्पीयर ऐसे रखेंगे, क्लियर हुई बात। तो यहाँ ये समझ में आ रहा है कि ये फर्स्ट लेयर का जो वॉइड है इसके ऊपर हमने एक स्पीयर रख दिया इस तरीके से, क्लियर हुई बात। तो वेन एवर अ स्पीयर ऑफ सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द वॉइड ऑफ द फर्स्ट लेयर अ टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड। तो ये जो वॉइड बनेगी, ये वॉइड, ये इस खाली इतने पे ध्यान देना है, ये वेन एवर अ स्पीयर ऑफ द फर्स्ट लेयर इज प्लेस्ड ओवर द
void of the whenever the sphere of the second layer is placed over the void of the first layer. Void of the first layer के ऊपर अगर हम इसको रखेंगे तो ये जो स्पेस बनेगा, खाली जगह बनेगी, इसकी खाली जगह को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड. सर खाली जगह का भी नाम होता है? हाँ बेटे, इस खाली जगह का भी एक नाम है, बोला जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड. अगर हम इतने पार्ट को अलग से समझाएं तो यहाँ पर हम समझा सकते हैं. देखो ये एक बना लिया स्फीयर, ये वाला, ठीक है, फिर एक इसके बगल में ये वाला, और एक इसके नीचे ये, और इसके ऊपर कुछ ऐसा एक स्फीयर आया दूसरा सेकंड लेयर का. तो ये जो बीच में जगह है, ये वाली खाली जगह, इसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड. क्लियर हो गई बात? लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड बनने के लिए समझना पड़ेगा आपको कि जो सेकंड लेयर होगी उसका स्फीयर वॉइड के ऊपर रखा जाएगा, सेकंड लेयर का स्फीयर वॉइड के ऊपर रखा जाएगा, जो कि वॉइड फर्स्ट लेयर की होगी. क्लियर है? अब आगे और समझिए. एंड व्हेन द ट्रायंगुलर वॉइड इन द सेकंड लेयर आर अबव द ट्रायंगुलर वॉइड इन द फर्स्ट लेयर. ये क्या है भाई? ट्रायंगुलर वॉइड इन द सेकंड लेयर आर अबव द ट्रायंगुलर वॉइड इन द फर्स्ट लेयर. जब हम ये काम कर रहे होंगे, देखिए यहाँ पर वॉइड है, एक और बना के देखिए, बन गया. अब जब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी तो वॉइड है, यहाँ अब हम जब स्फीयर बनाएंगे तो भाई एक अलग प्रकार का वॉइड बनेगा यहाँ पर. कैसे अलग प्रकार का? ये नीचे वाले भी ट्रायंगुलर में, और ऊपर जब हम सेकंड लेयर बना रहे हैं तो ऊपर भी एक अलग से ट्रायंगुलर है. ध्यान से समझिए बच्चे, ये वाला वॉइड और ये वाला वॉइड, ये वॉइड बंद है बिल्कुल, लेकिन ये वॉइड दो ट्रायंगल के बीच में, एक नीचे वाले ट्रायंगल के बीच में, एक ऊपर वाले ट्रायंगल के बीच में. क्लियर हो रहा है? इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं. देखो एक तरीके का वॉइड ये है जो नीचे के तीन ट्रायंगल, नीचे के तीन स्फीयर और ऊपर का एक स्फीयर, तो एक वॉइड है, उसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं. क्लियर? और एक वॉइड ऐसा बन जाएगा इसके साथ साथ जब हम इस रो को लगाएंगे, इसके नीचे एक और रो लगाएंगे, जो कि नीचे के तीन ट्रायंगल, अब इसको एक ही बार में समझिएगा, नीचे के तीन ट्रायंगल और नीचे के तीन स्फीयर और ऊपर के तीन स्फीयर्स के बिल्कुल बीचों बीच जो जगह खाली होगी वो छः स्फीयर्स के बीच की जगह है, उसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड. मतलब दो तरीके के ब्लैंक स्पेस है, दो तरह के वॉइड क्रिएट हो रहे हैं. पहला होता है टेट्राहेड्रल, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसलिए इतना टाइम ले रहे हैं. पहला होगा टेट्राहेड्रल, जिसमें क्या होगा, एक स्फीयर के नीचे तीन स्फीयर होंगे. दूसरा होगा जिसमें तीन के नीचे तीन होंगे, तीन के नीचे तीन होंगे. जैसे यहाँ भी आप देख सकते हो, ये तीन, देखो एक एक दो और एक तीन, और इसके जस्ट ऊपर वाली लेयर में एक दो और एक तीन. क्लियर हुई बात? तो इस चीज़ को यार कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर हमें ये कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है ना. तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, अब देखो यहाँ पर अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर देखो एक स्फीयर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ऑक्टाहेड्रल की बात है, ठीक है. और एक स्फीयर ये रहा, आपके एनसीईआरटी में येलो कलर से नज़र आ रहा होगा, ये रहा, और बीच वाले को हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल. इस वाले में थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, देखो ये नीचे वाले तीन स्फीयर और इसके ऊपर सिर्फ एक ये रेड वाला, इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल. तो दो तरीके के वॉइड समझ में आए ना. इस खाली जगह को ही हम क्या बोलते हैं, वॉइड. ये जो खाली जगह है, टेट्राहेड्रल होल, वॉइड, होल, साइट, इनके नाम होते हैं. क्या बोल सकते हो? टेट्राहेड्रल होल, टेट्राहेड्रल वॉइड भी बोल सकते हो, या फिर एक और नया वर्ड टेट्राहेड्रल साइड भी बोल सकते हो. टेट्राहेड्रल क्यों? क्योंकि एक टेट्राहेड्रॉन बना रहा है. अगर इनके पॉइंट अगर हम देखें, मतलब ये जो ऊपर वाला स्फीयर है इसका एक सेंटर होगा, नीचे वाले तीनों स्फीयर के सेंटर होंगे, इससे अगर हम एक ये बनाएं तो ये एक ऐसा टेट्राहेड्रॉन बना रहा है ना. ऐसा टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, जिसके तीन साइड ऐसे नीचे वाले स्पेस, नीचे वाले प्लेन में होंगे और एक ऊपर पॉइंट होगा, जिसको हम चारों को ऐसे करके जोड़ देते हैं, समझ रहे हो. और यहाँ जो बना रहा है ऑक्टाहेड्रल, क्यों? क्योंकि अगर हम इसका इसका नीचे तीनों का सेंटर अगर ज्वाइन करें, ठीक है, और ऊपर वाले तीनों को सेंटर ज्वाइन करें और इससे ये स्पेस बनाएंगे, तो ये क्या बनाएगा, एक ऑक्टाहेड्रॉन, जो छः पॉइंटों से मिलके बना होता है. क्लियर है? तो ये चीज़ समझ में आई कि टेट्राहेड्रल क्या बनता है, वॉइड, जब सेकंड लेयर का स्फीयर वॉइड के ऊपर रखा जाएगा. और ऑक्टाहेड्रल कब बनेगा, जब ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर एक और ट्रायंगुलर वॉइड होगा, एक ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर. व्हेन द ट्रायंगुलर वॉइड इन द सेकंड लेयर आर अबव द ट्रायंगुलर वॉइड इन द फर्स्ट लेयर, द ट्रायंगुलर शेप ऑफ दिस वॉइड डू नॉट ओवरलैप, सच वॉइड्स आर कॉल्ड सराउंडेड बाई सिक्स स्फीयर्स एंड दीज आर कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. क्लियर हुई बात? तो ये अपना टेट्राहेड्रल है, और ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या करेंगे, हम ऐसे करके बनाएंगे, ठीक है. और इसके बाद कैसे बनाएंगे, इसके बाद ये चीज़ समझे देना अभी, कि इसके बाद ऐसे करके इसके स्फीयर से निकलता हुआ ऐसे करके, समझ रहे हो.
देखो यहाँ नहीं समझ पाएंगे, यहाँ पर समझ में आया था ना अभी, कि इस तीन के ऊपर ऐसे करके, ऐसे ऐसे ही क्लियर है। ये थोड़ा गंदा सा बन गया, देखो साफ साफ यहाँ बनाते हैं, दो तीन ऐसे बनाया। अब इसके बाद यहाँ से बीस से, बीस से लगाना है, ठीक है। एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना, तो ये जो हो जाएगा तीन नीचे के और तीन इसके ऊपर के, इसको हम बोलेंगे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर हुई बात, टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों बन गया, ये क्लियर हो गया। इनके सेंटर जोड़ेंगे तो एक टेट्राहेड्रल बनेगा, समझ गए, ऐसे करके, और ये टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया पूरा। ये जो खाली जगह है इसी को हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, और यहाँ से जो खाली जगह हो जाएगी इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर है, तो इस लाइन को चाहो तो दोबारा पढ़ सकते हो। व्हेन द स्फीयर ऑफ द सेकंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द वॉइड ऑफ द फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर का स्फीयर द वॉइड ऑफ द फर्स्ट लेयर पर रखा जाएगा, तो इस वॉइड को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। एंड व्हेन द ट्रायंगुलर वॉइड इन द सेकंड लेयर, ट्रायंगुलर वॉइड इन द सेकंड लेयर, ये रहा ट्रायंगुलर वॉइड इन द सेकंड लेयर, इज अबव द ट्रायंगुलर वॉइड इन द ट्रायंगुलर वॉइड इन द फर्स्ट लेयर, देन द ऑक्टाहेड्रल इज फॉर्म्ड विच इज सराउंडेड बाई द सिक्स स्फीयर्स कॉल्ड द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। देखिए अब इसमें इतना टफ तो नहीं आता है, लेकिन जैसे क्वेश्चन आते हैं ना इसको हमें थोड़ा समझना है, लिखते हैं। ये समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके सब बता देना कि हाँ सर ये हमें कंसेप्ट समझ में आ गया, वॉइड वाला, इंटरस्टीशियल, इंटरस्टीशियल INTERSTITIAL, इंटरस्टीशियल वॉइड्स, और इसको इंटरस्टीशियल साइट्स भी बोलते हैं। अभी इंटरस्टीशियल का मतलब क्या होता है, एटम्स के बीच वाली जगह को इंटरस्टीशियल्स बोलते हैं, ठीक है, और वॉइड्स को खाली जगह, तो एटम्स के बीच में जो खाली जगह होती है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टीशियल वॉइड्स, इंटरस्टीशियल साइट्स। लिखते हैं सर, इन द क्लोज पैकिंग, इन द क्लोज्ड पैकिंग ऑफ स्फीयर्स, इन द क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर, सर्टेन हॉलो, क्या लिखा है, कि इन द क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर सर्टेन, कुछ जगह तो हमेशा खाली रहेगी रहेगी, है ना, सर्टेन्स हॉलो और वॉइड्स आर लेफ्ट वैकेंट, हमेशा ही थोड़ी सी जगह क्या होती है, कुछ ना कुछ जगह थोड़ी सी खाली रहती है। दीज होल्स या दीज होल्स और हॉलोज या वाइड्स, दीज होल्स और वाइड्स इन द क्रिस्टल, इन द क्रिस्टल आर कॉल्ड इंटरस्टीशियल, वही बात है जो अभी बताए थे ना, बिल्कुल वही, कि जो थोड़ी सी जगह खाली होती है ना स्पेयर्स के बीच में, उसी को हम क्या बोलते हैं, हॉलो, हॉलोज या वॉइड जो खाले होते हैं, होल्स या वॉइड, उसको हम बोलते हैं इंटरस्टीशियल वॉइड या फिर इंटरस्टीशियल साइड। तो कोई इंटरस्टीशियल साइड के बारे में पूछे तो डरना नहीं है कि नया वर्ड कहाँ से आ गया, समझ गए, यही बोलना है कि ये वॉइड के बारे में बोलना है, इंटरस्टीशियल वॉइड्स, सॉरी यहाँ आएगा साइड्स, वॉइड्स या साइड्स दोनों एक ही वर्ड है। क्लियर, चलिए अब पहला लिखते हैं हम टेट्राहेड्रल के बारे में। तो दो तरह के होते हैं वॉइड्स, कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के। पहला टेट्राहेड्रल वॉइड, इनकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, और आप इसको और दूसरा नाम क्या बोल सकते हो, टेट्राहेड्रल साइड्स, ठीक है, वॉइड्स बोलो या साइड बोलो एक ही बात है। चलिए लिखते हैं, द वैकेंट स्पेस, द वैकेंट स्पेस एमंग फोर स्पेयर्स हैविंग टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। देखिए इतनी आसान डेफिनेशन नहीं लिखी होगी आपने,
कि वैकेंट स्पेस खाली जगह अमंग फोर स्पेयर्स हैविंग टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, वो खाली जगह जिसका अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो उसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। द वैकेंट स्पेस अमंग फोर स्पेयर्स हैविंग टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड, सिंपल है। खाली जगह चार स्पेयर्स के बीच में जो कि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट का होगा उसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। इसमें आप वो भी लिख सकते हो जो हमने बताई थी ना कि द इस वैकेंट स्पेस बिटवीन व्हेन द सेकंड स्पेयर्स आर प्लेस्ड ओवर द वैकेंट स्पेस ऑफ द फर्स्ट लेयर या वॉइड्स ऑफ द फर्स्ट लेयर, द वॉइड इज कॉल्ड द टेट्राहेड्रल वॉइड, क्लियर। या फिर ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो, दोनों ईजी हैं। अब आई ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड और साइड ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्ट्राहेड्रल साइड भी लिख सकते हैं, क्लियर है। इसकी डेफिनेशन याद करिएगा अच्छे से, द वॉइड फॉर्म्ड बाय टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक तो नीचे वाले स्पेयर्स का इक्विलेटरल और एक ऊपर वाले इक्विलेटरल, ठीक है, ट्रायंगुलर, टू इक्विलेटरल ट्रायंगुलर विद, इस वर्ड को समझिएगा, नया वर्ड है एपिसिस, एपिसिस, एपिसिस का मतलब होता है एपेक्स का प्लूरल, प्लूरल ऑफ एपेक्स, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन। जो दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो अपोजिटली डायरेक्ट होते हैं ना, तो उसी को हम एपेक्स बोलते हैं, क्लियर है। उसकी डायरेक्शन के अलाइनमेंट को हम क्या बोलेंगे, एपेक्स, इज कॉल्ड ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, अगर बनाने को बोला जाए तो देखो बहुत इजी है, तीन स्पेयर यहाँ बनाएंगे, इसके ऊपर एक और रख देंगे और इसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, शॉर्ट में लिख देंगे टी डॉट वी, ठीक है। और इसमें कैसा होता है, व्हेन द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ द फर्स्ट लेयर, ठीक है, व्हेन द वॉइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ द फर्स्ट लेयर इज ओवर द वॉइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ द सेकंड लेयर, तो सेकंड वाला कहाँ से होगा, ऐसे करके इसका सेकंड वाला ऐसे बनाइएगा, ठीक है, और ये रहा। तो यहाँ पर ये वाला ऐसा है ट्रायंगल और ये वाला ऐसा है और बीच में ये जगह खाली है, समझ रहे हो। तो ये एपेक्स क्या है, उल्टे अलाइनमेंट है ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा और ये ऐसा, क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो वे द वॉइड फॉर्म्ड बाय द टू इक्विलेटरल ट्रायंगल विद एपेक्स इन अपोजिट डायरेक्शन या विद एपिसिस इन अपोजिट डायरेक्शन, एक ऐसा और एक ऐसा, तो इस वॉइड को हम क्या बोलेंगे, ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड, क्लियर है। अब बच्चों फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें लिखने होंगे, ठीक है, इसको समझिएगा। नंबर ऑफ इसके ऊपर अभी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड क्या लिखा है, ये नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड इन अ क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर ऑफ N atoms are tetrahedral void equals to होता है 2N, ठीक है, and octahedral voids होते हैं N, क्लियर हुई बात। मतलब क्या है सर इसका, देखो हमने लैटाइस के बारे में पढ़ा है ना, तो लैटाइस में क्या होता है, बहुत सारे स्पेयर्स होते हैं एक के बाद एक ऐसे जुड़े रहते हैं, है ना, ऐसे करके, ठीक है, ये बनाते हैं ना पैकिंग ऐसे करके बनाई थी, ठीक है, अब इसके ऊपर ऐसे करके, ठीक है, तो ऐसे ही अगर एक के ऊपर एक क्लोज ऐसे बनाते जाएँ, पैकिंग बनाते जाएँ, तो इस पैकिंग में हो सकता है 1000 हो, ठीक है, हेक्सागोनल वाली है, ये कौन सी है, हेक्सागोनल वाली, क्योंकि इसी में तो बनते हैं ऑक्टाहेड्रल और वो टेट्राहेड्रल,
तो बच्चे अगर इसमें टोटल एटम जैसे 100 हैं, कितने हैं टोटल एटम 100, तो एन की वैल्यू हो गई 100 की नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ स्पीयर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे कितने हैं 100। तो इसके अंदर जो टेट्राहेड्रल वर्ल्ड बनेंगे, कौन से वाले, टेट्राहेड्रल जो 3 स्फीयर के ऊपर स्फीयर आएगा वो बनेंगे 2 × 100 मतलब 200, और ऑक्टाहेड्रल बनेंगे 100 मतलब जितने स्फीयर उतने ही। तो यहाँ लिखा है कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ल्ड एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड इन ए क्लोज पैक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम्स। अगर उस क्लोज पैक स्ट्रक्चर में, पूरे क्लोज पैक स्ट्रक्चर में एन एटम्स हैं तो टेट्राहेड्रल होंगे आपके 2 × n और ऑक्टाहेड्रल होंगे n। क्लियर है? आगे और समझिएगा इसी में ही, ये मत बनाइएगा, ठीक है, खाली इतना लिख लीजिएगा। इसके आगे और समझिएगा, फॉर एन एटम टू ऑक्यूपाई, फॉर एन एटम टू ऑक्यूपाई एन ऑक्ट्राहेड्रल वर्ल्ड मस्ट बी ऑफ रेडियस, मस्ट बी ऑफ रेडियस 0.4 times द रेडियस ऑफ स्पेयर। तो यहाँ पर आएगा एक फॉर्मूला कि इसको ब्लैक से लिख देते हैं ताकि अच्छे से याद रहे आपको, कि आर ऑक्ट्राहेड्रल बराबर 0.4 आर, यहाँ आर क्या है, रेडियस ऑफ एटम, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हो रेडियस ऑफ एटम। क्या मतलब है कि भाई मान लो कि ये स्पेयर्स अपने नेगेटिव नेगेटिव हैं, कैसे हैं, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, स्पेयर्स कैसे हैं, या फिर यहाँ बना सकते हैं हम, ये बनाए ना, ठीक है, तो यहाँ पर जो जगह खाली है, स्पेयर्स अपने कैसे हैं, नेगेटिव नेगेटिव, तो जो बीच की जो जगह है ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड, इसके अंदर अगर हमको एक पॉजिटिव स्पेयर अगर यहाँ पर हमको लगाना है, खाली जगह है तो हम लगा सकते हैं, तो पॉजिटिव स्पेयर हम यहाँ पर अगर लगा दें तो वो कितना बड़ा होना चाहिए, वो होना चाहिए जो भी नेगेटिव वाला है उसकी अगर रेडियस क्या है, आर है, तो इसकी होनी चाहिए 0.4 आर। क्लियर हुई बात, इस पॉजिटिव की खाली जगह की होनी चाहिए 0.4 आर। बहुत ईजी है, समझ गए ना, कि ऑक्ट्राहेड्रल की वर्ल्ड की जो रेडियस होगी वो 0.4 times होनी चाहिए किसकी, रेडियस ऑफ स्पेयर की, जिस स्पेयर से वो क्लोज पैकिंग बनी है। ओके, चलिए आगे करते हैं, ऐसे ही टेट्राहेड्रल के बारे में लिखते हैं। अगर हमें टेट्राहेड्रल वर्ल्ड को ऑक्यूपाई करना है तब क्या होगा, बस लास्ट है ये, इसके बाद हमें नया कंसेप्ट पढ़ेंगे और एक दो क्वेश्चन करते हैं। फॉर एन एटम टू ऑक्यूपाई अ टेट्राहेड्रल, और बच्चों इसी तरह के हमारे मैथ्स के भी फुल कंप्लीट लेक्चर्स हैं, ठीक है, आप चाहें तो देख लीजिएगा, यूट्यूब पर भी है और हमारे एप्लीकेशन या वेबसाइट पर है, तो ज़रूर देखिएगा उनको, आपके एनसीईआरटी मैथ्स से पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फॉर एन एटम टू ऑक्यूपाई अ टेट्राहेड्रल वर्ल्ड मस्ट बी ऑफ रेडियस 0.225 times द रेडियस ऑफ किसके, स्पीयर्स के, द रेडियस ऑफ स्पीयर। क्लियर हुई बात, तो यहाँ पर जो आर टेट्राहेड्रल होगा, आर, इसको आर को छोटा बनाया चाहे बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर टेट्राहेड्रल होगा जो, वो कितना बड़ा हो जाएगा, 0.225 times आर किसके, रेडियस ऑफ स्पेयर के। क्लियर हो गई बात, दो तरह के वर्ड्स होते हैं तो दो तरह के क्या होंगे, दो तरह के ही वर्ड्स होंगे तो दो तरह के ही रेडियस होंगे। पहला रिलेशन 0.4 आर स्पेयर किसका, ऑक्टाहेड्रल का, और ये इसकी रेडियस हो जाएगी 0.225 आर स्पेयर। ऑक्टाहेड्रल वर्ड, टेट्राहेड्रल वर्ड छोटा होता है किससे, ऑक्टाहेड्रल से। क्लियर है, मतलब एक बार और समझ सकते हो आप कि ये क्या हो जाएगी फर्स्ट लेयर, इसके ऊपर जब हम सेकंड लेयर बनाएंगे तो ये हमें बनेगा टेट्राहेड्रल वर्ड, और इसमें अगर हम कोई पॉजिटिव आयन मतलब या फिर कुछ स्पेयर लगाएंगे, एक नया स्पेयर इसके अंदर, तो उसकी जो रेडियस होगी वो इस रेडियस के कंपैरिजन में कितनी होगी, 0.225। ये किसकी है, ये वाली, और ये रेडियस किसकी हो जाएगी अगर यहाँ पर हम कुछ लगाते हैं तो इस जगह पर। क्लियर, ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। एग्जांपल 1.1,
न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये सब समझ में आया ना? एक बार देख लीजिए, रिपीट कर लेते हैं। ये सब समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट लेयर के ऊपर बनाएंगे, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर ऑक्टाहेड्रल है, और फर्स्ट लेयर के ऊपर वॉइड्स के ऊपर रखेंगे स्फीयर तो टेट्राहेड्रल है। इसके बाद टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट से ऑक्टाहेड्रल बनता है, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल से। अगर n एटम होंगे तो 2n हो जाएंगे अपने नंबर ऑफ वॉइड्स कि 10 है, 20 है, 30 है, 2n हो जाएंगे और यहाँ पर n हो जाएंगे, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अवर लैटिस या फिर पैक्ड स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर रेडियस का रिलेशन आपको समझ में आ गया, 0.4 और 0.225 वाला याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है अपना? अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट एक्स एंड वाई। एक कंपाउंड है जो दो एलिमेंट से बन रहा है, एक्स एंड वाई, ठीक है। एटम्स ऑफ द एलिमेंट वाई एस एनाइन, एनाइन मतलब नेगेटिव, मेक सी सी पी, एंड दोज ऑफ द एलिमेंट एक्स एस कैटाइन, ठीक है, ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? देखो यहाँ पर इस सी सी पी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इससे आप कन्फ्यूज होंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें बस समझना क्या है कि जो एलिमेंट एक्स है वो तो एनाइन है, और एलिमेंट वाई है वो क्या है? कैटाइन है। और जो एनाइन है, और यहाँ पर एक चीज़ और क्या लिख रही है, जो एक्स है बच्चे वो ऑक्यूपाई कर रहा है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, ठीक है, और ये जो वाई है, सॉरी एटम्स ऑफ द, ये सी सी पी से मतलब है कि जो वाई है वो सी सी पी में अरेंज है, मतलब ये एटम्स की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब है कि अपना जो एक क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनेगा तो उसमें जो वाई है वो ये है एनाइंस की तरह, ठीक है, और इसके बीच में जो जगह खाली होगी उसमें हमें क्या रखना है? उसमें एक्स रखना है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में तो एक्स आ रहा है, एक्स वाला एलिमेंट, पॉजिटिव वाला एलिमेंट, और खाली इसमें जगह में कौन, वो स्पेयर कौन से? वाई वाले। तो हमें पता है कि हम लेट कर लेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए, वैसे है तो ये बहुत इजी, हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पर, एक्स एलिमेंट को हम एन मान लेते हैं, ठीक है, लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वाई, ये y वाले जो हैं उसको हम y भी n मान लेते हैं कि ये क्या है, n है। अब बताओ नंबर ऑफ x एलिमेंट ऑफ x कितने हो जाएंगे? अगर y वाले n है, हमने मान लिया कि n है, तो x वाले void कितने हो जाएंगे? टेट्राहेड्रल अभी बताए थे ना कि जितने n होंगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे या एटम्स होंगे स्पेयर्स वाले, उतने ही क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे n। तो यहाँ जो फॉर्मूला आएगा अपना वो आ जाएगा कुछ इस तरीके से, x, n, y और n। तो यहाँ n और n जब सेम होंगे बच्चे, तो इनको काट के हम 1:1 बोल सकते हैं, जिसको हम फॉर्मूला बोल सकते हैं एक्स वाई। तो आंसर क्या आ जाएगा? एक्स वाई। समझ में आई बात? y क्या हो गया अपना? एन आई नंबर ऑफ एटम, या फिर y किसकी तरह काम कर रहे हैं सर? स्पेयर्स की तरह। और x किसकी तरह काम कर रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड की तरह। तो अगर ये n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने होंगे? n, बताया था जितने नंबर ऑफ स्फीयर उतने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो फॉर्मूला बनेगा x एन वाई, एन n से n कटेगा, आंसर क्या आएगा? एक्स वाई। क्लियर? चलो सेकंड वाला समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से, न्यूमेरिकल 1.2 एग्जांपल। कौन सा है? एटम्स ऑफ द एलिमेंट बी, बी वाले एटम एस सी पी लैटिस बनाते हैं, ठीक है, वही एफ सी सी या सी सी पी, एंड दोज ऑफ द ए क्या ऑक्यूपाई कर रहे हैं? आपको उसे देखना है क्या कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। और टेट्राहेड्रल वॉइड का भी टू थर्ड पार्ट, फुल टेट्रा नहीं, टू थर्ड पार्ट, मतलब जो खाली जगह है उसका टू थर्ड पार्ट में आपका क्या है वो लगेगा। क्लियर है? कौन? ए। तो राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट ए एंड बी। इसको समझिएगा, जो बी है वो तो स्पेयर की तरह काम कर रहा है, बी किसकी तरह काम कर रहा है? स्पेयर की तरह। तो लेट कर लेते हैं अगेन, लेट नंबर ऑफ, और भी लेक्चर ना छोड़ेगा, अभी एक कंसेप्ट और रह गया, ठीक है, डेंसिटी वाला। लेट द नंबर ऑफ, लेट द नंबर ऑफ कौन है ये देखिए, बी जो है एस सी पी, तो जो स्पेयर की तरह होगा उसको एन मानिएगा। लेट द नंबर ऑफ बी बी एन, ठीक है, क्लियर। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ए होने कितने चाहिए? 2n, क्यों? क्योंकि ये है इन टेट्राहेड्रल वॉइड,
ये टेट्राहेड्रल वॉइड में आ रहे हैं, लेकिन ये टेट्राहेड्रल वॉइड में कितना स्पेस ले रहे हैं बच्चे? 2/3, यहाँ लिखा है ना 2/3, तो ये हो जाएंगे 2/3 इंटू 2n, जितना भी लिखा हो उसका इंटू और कर देना है, ठीक है। और उसके बाद हमें फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, मतलब उस पूरे में कितने आ जाएंगे, बी के हो जाएंगे एन, ठीक है, और ए के हो जाएंगे अपने 4n/3, 2 × 2 = 4। अब यहाँ से एन से एन कैंसिल हो जाएगा और ये 3 इधर जाएगा, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा B3A4, ठीक है, या फिर आप A4B3 भी लिख सकते हो, और A4B3 इसको आगे लिख सकते हो। समझ में आया फॉर्मूला? ऐसे अगर एक क्वेश्चन हम बोलें कि जो B है वो N है और यहाँ पर ये 1/3 है, 2/3 की जगह क्या हो, 1/3 हो, तब आंसर क्या आएगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, समझ गए, कि यहाँ पर 2/3 की जगह पर 1/3 हो तो आंसर क्या आएगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे समझ में आएगा कि आपके समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है, क्वेश्चन समझ गए ना क्या है कि 1/3 होगा तो क्या होगा। चलो तो ये कंप्लीट, अब लास्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं बच्चे डेंसिटी का, और उसके बाद हमें लास्ट क्वेश्चन करने होंगे। देखो ये वाले कंसेप्ट हम पहले पढ़े थे ना, पैकिंग एफिशिएंसी पहले पढ़ाया था ना सारा, फिर 74%, 52.4 और 68%। अब इसका लास्ट कंसेप्ट है ये 1.8 वाला, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। चलिए इसको लिखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, मैक्सिमम हर एक अल्टरनेटिव ईयर में आता रहता है यहाँ से क्वेश्चन। चलिए लिखते हैं कैलकुलेशन, और इसकी कैलकुलेशन बहुत आनी चाहिए अच्छे से, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस, ठीक है। और इसमें कंसेप्ट क्या है अपना, डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल का मतलब बच्चे एक यूनिट सेल हम पहले पढ़े थे ना, कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल, इसके अंदर एटम्स होते हैं ऐसे करके, याद है, ठीक है। इसमें तरह तरह के यूनिट सेल पढ़े थे, सिंपल क्यूबिक पढ़े थे, ठीक है, और कौन सा पढ़े थे, FCC पढ़े थे, BCC पढ़े थे, तो कोई भी हो उन सभी की अगर हमें डेंसिटी का एक फॉर्मूला बनाना हो, ठीक है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो उसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी बराबर रो, रो बराबर डेंसिटी बराबर जेड इंटू एम ओवर A³ × NA। सर नहीं समझ आया, देखो समझ आएगा, यहाँ पर जो रो है इसको क्या बोलेंगे आप, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, इस यूनिट सेल की डेंसिटी। जेड क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। जैसे पार्ट वन में बताया था कि सिंपल क्यूबिक में जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1, FCC में जेड की वैल्यू कितनी होती है, 4, BCC में जेड की वैल्यू कितनी होती है, 2, क्लियर है, 1 × 2 = 4, 1 × 2 = 4, क्लियर। अब m क्या है, यहाँ पर m होता है मॉलिक्यूलर मास, m क्या हो जाएगा अपना मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉलिड, कि इसके अंदर मास कितना है, ये एटम में मास होता है ना, एटम में क्या होता है मास, तो इसका मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, समझ गए, ये आपको एक क्वेश्चन में दे रखा होगा कि मॉलिक्यूलर मास, जैसे आपका अगर ये सोडियम का है तो सोडियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 23 ग्राम, तो यहाँ आ जाएगा 23, क्लियर। कॉपर का होगा तो 63.5, ऐसे ही जो भी आपको दे रखा होगा उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। ए हो जाएगी इसकी डायमेंशन की एज लेंथ, इस यूनिट सेल की एज लेंथ, तो ये हो जाएगा अपना एज लेंथ, और एन ए हो जाएगा अपना एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 × 10³, मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन वन मोल ऑफ ए पार्टिकल, क्लियर है। वन मोल ऑफ पार्टिकल में कितने नंबर ऑफ होते हैं पार्टिकल्स, वन मोल में 6.022 × 10³। अब ये तो है डायरेक्ट फॉर्मूला की, इससे हम याद करके कि जेड इंटू अगर एम मोलर मास, A³ और NA हम रख के आराम से आंसर निकाल सकते हैं ना। इसको एक चीज़ और याद रखिएगा, मोलर मास आपको ग्राम में लेना है और जो A होगा बच्चे उसको आपको सेंटीमीटर में लेना है, तो डेंसिटी अपनी जो आएगी ना वो आएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में, क्लियर है। NA की वैल्यू सी हमेशा ही रखनी है, और Z की वैल्यू 1, 2 या 4 होगी इसकी यहाँ पर रखनी है।
लेकिन इसको याद रखिएगा, इसको ग्राम में और इसको सेंटीमीटर में, तो ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब इस पर क्वेश्चन भी कर सकते हैं हम डायरेक्ट, लेकिन अगर हमको ये कंसेप्ट की कंसेप्ट समझना हो, तो मतलब क्या है कॉन्सेप्ट लर्निंग, कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो इसको आप समझ सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है समझना, आप सीधे याद भी कर सकते हो, लेकिन समझने का मन हो तो समझ सकते हैं। देखो डेंसिटी बराबर क्या होती है, एक यूनिट सेल की तो बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इस यूनिट सेल में ये तो वॉल्यूम हो जाएगा, इस यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, चलिए पहले बताते हैं वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम हो जाएगा ये, क्योंकि एक क्या है क्यूब है, तो वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, क्लियर है, ठीक है। और इसका अगर हम मास देखें तो मास कितना हो जाएगा, तो मास हो जाएगा कि डिपेंड करता है ये कौन सी पैकिंग है, जैसे FCC है या फिर ये है, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ये एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो मास हो जाएगा वो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, और एक एटम का क्या मास ऑफ वन एटम, ये चीज़ समझने वाली है। देखिए कि मास ऑफ द यूनिट सेल, यूनिट सेल में कुछ जगह खाली होगी और कुछ भरी होगी, तो भरी वाली जगह में क्या होगा मास होगा, तो मास ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम है जैसे एक है तो इनटू मास ऑफ वन एटम, एक एटम से इनटू कर देंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ एटम डिपेंड करता है कि वो पैकिंग कौन सी है, FCC होगी तो चार रख देना, BCC होगी तो या दो आ जाएगा। उसके बाद आपका डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, डेंसिटी किसी भी चीज़ की क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो इस यूनिट सेल में क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एटम, जिसको हम जेड से नोट करते हैं, जेड इंटू ये क्या है मास ऑफ वन एटम। अब मास ऑफ वन एटम आपको आना चाहिए कि एक मोल का अगर मास, बच्चे एक मोल का मास अगर मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, तो उसको अगर हम इससे NA से डिवाइड करें तो जो आएगा वो क्या आ जाएगा मास ऑफ वन एटम। ये चीज़ समझ में आई, मास ऑफ वन एटम क्या होता है मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दें अगर एवोगैड्रो नंबर से, तो यहाँ पर Z इसकी जगह क्या आ जाएगा Z MM अपॉन NA या M अपॉन NA, और यहाँ आ जाएगा नीचे ए क्यूब, ये हो जाएगा अपना मास और ये हो जाएगा वॉल्यूम। तो डेंसिटी बराबर क्या आ गई Z इंटू M ए क्यूब इंटू NA, क्लियर हुई बात, ठीक है, समझ आया हो तो ज़रूर बताना। चलो अब क्वेश्चन करते हैं इसी में ही, एग्जाम्पल 1.3 वाला क्या है, एन एलिमेंट हैज़ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC स्ट्रक्चर, अगर BCC लिखा है इसको सॉल्व कर रहे हैं साथ में, ठीक है, कौन सा है ये एग्जाम्पल 1.3 का सॉल्यूशन। यहाँ पर हमें समझना कैसे है, देखिए पहले इसने बोला कि यह एन एलिमेंट हैज़ अ BCC स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले हमें यहाँ लिख लेना है कि हमें जो जो पता चला है कि जेड कितना है अपना भाई BCC के लिए, जेड कितना होता है 2, जेड कितना हो जाएगा 2, और उससे भी पहले आप लिख लेते हैं ना डेंसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, ठीक है। तो हमें जेड मिल चुका है, आगे विद अ सेल एज, सेल एज एज लेंथ मिल गई हमें 288 पिकोमीटर, तो यहाँ पर हमें मिल गया ए, ए कितना है अपना इसके नीचे लिखना है एज, ए है अपना 288 पिकोमीटर, इस पिकोमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो इस सेंटीमीटर में क्या हो जाता है डायरेक्ट 288 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, इसको याद कर लेना है, ठीक है। अब क्योंकि हमें ए क्यूब चाहिए तो हम चलो बाद में कर लेंगे। सेकंड क्या है, द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इज 7.2 ग्राम, है डेंसिटी भी दे रखी है, देखो डी बराबर डी नहीं है रो बराबर 7.2 दे रखी है, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। अब पूछ रहा है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट, कितने एटम प्रेजेंट होंगे 208 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट में, कि 208 ग्राम अगर इसका हम लेके आए, ठीक है, तो उसमें कितने एटम प्रेजेंट होंगे, क्लियर है। चलो आसान है, हमें यहाँ देखे रखा है, हमें यहाँ वैसे निकालना क्या, हमें मॉलिकुलर मास निकालना है, ऐसे आंसर समझिएगा, अगर हम मॉलिकुलर मास निकाल लें तो हमें आंसर मिल जाएगा। कैसे, पहले मॉलिकुलर मास निकालते हैं, तो रो बराबर क्या हो जाएगा जेड इंटू एम ए क्यूब इंटू एन ए, ठीक है, तो रो की जगह पर हम लगाएंगे बच्चे ये 7.2, जेड की जगह पर BCC है 2, फिर एम हमें नहीं पता तो मॉलिकुलर मास एम लग देंगे, और फिर ए क्यूब की जगह हम ये ए है तो इसका क्यूब करेंगे 288 इंटू 10 की पावर -10 का होल क्यूब, एन ए की वैल्यू फिक्स होती है हमेशा 6.022 10 की पावर 23, क्लियर, तो यहाँ से एम की वैल्यू आ जाएगी
ये जाएगा ऊपर, ये भी ऊपर, इससे 2 से डिवाइड, 2 से ऐसे 3.6 हो गया, ये ऊपर भेजेंगे, इसको ऊपर भेजेंगे। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, आप कैलकुलेशन करिएगा। तो यहाँ पर m मॉलिकुलर मास अपना कितना आ गया, 63.1 ग्राम। m कितना आ गया, 63.1 ग्राम पर मोल। तो इससे समझ में आया कि इसका जो मॉलिकुलर मास है वो है 63.1 ग्राम। लेकिन हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ, क्या पूछा गया है हमसे, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम, 208 ग्राम में कितने इसके नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे आप, ऐसे निकालेंगे कि 288 को डिवाइड करेंगे 63.1 से, इससे आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करें तो ये 63 से 4 टाइम्स में चला जाएगा, 63 टू 126 एंड 126 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 252, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट समथिंग क्या आएंगे, इसके मोल्स आएंगे, जो भी मोल्स आए बच्चे, 4 पॉइंट समथिंग इंटू 6.022 10 की पावर 23 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएंगे अपने नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर हुई बात है, नहीं ये आ जाएगा अराउंड 6.24.022, इसको भी इंटू करिएगा 88, और ये पूरा सही नहीं है, इसको कैलकुलेट करिएगा अच्छे से, इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। तो ये इसका हम अप्रॉक्स आंसर लिख दे रहे हैं, कैलकुलेशन आप करिएगा। कंसेप्ट समझ में आया ना कि नंबर ऑफ एटम्स के लिए हमें क्या करना होगा, पहले सबसे पहले फाइंड करेंगे कितना इसका मोल्स आ रहा है, ठीक है, कितना आ जाए 4, पहले मॉलिकुलर मास फिर मोल्स, और मोल्स का इंटू नंबर ऑफ एटम्स है, क्लियर। चलो भाई इसको करते हैं, अब इंटेक्स का क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा, बहुत ईजी है, डेंसिटी हमें फाइंड करनी है, ये पिकोमीटर में दे ही रखी है, सी सी पी अरेंजमेंट मतलब एफ सी सी, और एफ सी सी का जेड कितना होता है 4, तो जेड हमें मिल गया, ए हमें मिल गया, ठीक है, और एम हमें दे ही रखा है। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू या ए की वैल्यू या एम की वैल्यू, एन ए आपको गिवन ही होता है, तो कैलकुलेट करेंगे तो डेंसिटी यहाँ पर आ जाएगी, क्लियर है, समझ आ गया ना। अच्छा इसका आंसर देखिए, यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट है, ये रट इसने अलग तरीके से करा है पर आंसर वही आ रहा है, देखो 24 पॉइंट समथिंग यहाँ पर जो हमने निकाला था, क्लियर है। और सिमिलर ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो, तो ये सारे एग्जांपल इजी हैं, सिर्फ डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाना होता है। जैसे यहाँ पर एज लेंथ हमें दे रखी है और डेंसिटी दे रखी है, एटॉमिक मास चाहिए हमको निकालना है, निकाल लेंगे ना। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं इंटेक्स वाले, एक क्वेश्चन ट्राई करिएगा। व्हाट इज़ द टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल इन ए स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है मॉलिक्यूल का, बताइए, बताया था ना कितना होता है, याद करिए, याद करिए कितना होता है, ये होता है 4। ये रहा स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 4। सेकंड क्या है, अ कंपाउंड फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट, हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल। ये कह रहा है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5, हेक्सागोनल में टोटल नंबर ऑफ 0.5 में कितने हो जाएंगे। अ कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स 0.5 मोल ऑफ इट। देखिए ये क्वेश्चन को समझ लिया, अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा इंटेक्स का, सेकेंड वाला, ये ब्लू पेन से नहीं ब्लैक से करते हैं, 1.15 वाला क्वेश्चन। जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स है बच्चे अपने 0.5 मोल, क्लियर है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स पूछ रहा है, वो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स दो तरीके से होते हैं, एक तो टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल, तो वो होते हैं 2 टाइम्स टेट्राहेड्रल, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल यहाँ लिख देते हैं, और ऑक्टाहेड्रल होते हैं 1 टाइम। तो यहाँ 0.5 है, वहाँ n होता है तो n का इंटू 0.5 है, तो 0.5 का इंटू, तो यहाँ 0.5 इंटू 0.5 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो टोटल आ जाएंगे यहाँ पर 1 प्लस 0.5 मतलब 1.5 मोल हो जाएंगे अपने टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, समझ गए। इसमें आगे पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स, कि इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कितने, तो टेट्राहेड्रल वॉइड है अपने ये 2 × 0.5 मतलब टेट्राहेड्रल का आंसर कितना हो जाएगा 2 × 0.5 मतलब 1 मोल ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, आंसर वेरीफाई करिएगा पीछे सही होगा। चलिए आगे करते हैं,
A compound is formed by the two metals M and N. The elements N form CCP and M occupies one third of the tetrahedraloid. ये फिर से वही आ गया कि M और N और tetrahedraloids वाला, तो N हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है? इसका देखिए सिंपलर मतलब सिंपल सी ट्रिक समझिए, N ऐसे लिखना है, जो भी आपका एलिमेंट अरेंजमेंट में हो CCP अरेंजमेंट में तो उसको हमें ऐसे लिख देना है, और जो वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है उसको हमें बगल में लिख देना है M. लिख दिया. अब ये वन थर्ड ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा है, वन थर्ड ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड. तो अगर ये एक होगा तो ये दो होंगे, टेट्राहेड्रल दो ही तो होंगे, तो यहाँ आएगा टू, और क्योंकि ये वन बाई थर्ड है तो यहाँ आ जाएगा वन बाई थर्ड. ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसको ऐसा एन एम टू बाई थ्री, ये थ्री ऊपर जाएगा और आंसर आ जाएगा एन थ्री एम टू, या फिर आप इसको एम टू एन थ्री भी बोल सकते हैं. क्लियर हो गई बात, समझ गए ना शॉर्ट ट्रिक. आगे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी, सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड एंड द हेक्सागोनल पैकिंग स्ट्रक्चर. इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल पैकिंग स्ट्रक्चर कितनी होती है इसकी 74, और इसकी 68 और इसकी 52.4. तो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, हेक्सागोनल की. उसके बाद फिर से ये क्वेश्चन है, एन एलिमेंट विद मोलर मास कितना है, 2.7 इतना. ठीक है, ये मोलर मास को मैं पहले कन्वर्ट कर, वो मोलर मास को मैं कन्वर्ट करना होगा ग्राम में, तो इनटू 1000 और इनटू करेंगे आप यहाँ पर फॉर्म्स आ, तो ये कितना हो जाएगा 227 आ जाएगा, 27 ग्राम. क्लियर, और एज लेंथ को हमें कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में, और डेंसिटी हमें दे रखी है 2.7, इसको आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में कन्वर्ट करेंगे. व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें आप जेड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और जेड की वैल्यू अगर बच्चे 1 आएगी तो आप बोलना सिंपल क्यूबिक है. ठीक है, अगर Z की वैल्यू 2 आएगी तो आप बोलेंगे BCC है, और Z की वैल्यू अगर 4 आएगी तो आप बोलेंगे FCC है. कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि लास्ट वाला क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व किया या नहीं किया, अगर नहीं किया तो हम अगले वाले वीडियो में इसे अच्छे से सॉल्व कर देंगे. क्लियर है, और इसको ज़रूर कन्वर्ट करिएगा डेंसिटी को, के जी पर मीटर क्यूबिक को किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में. चलो, तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं बच्चा, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि देखो केमिस्ट्री हर जगह पर कहीं भी आप देखें बहुत टफ लगती है, लेकिन यहाँ आसान लगी होगी ना, और साथ में अपने नोट्स भी बन गए, क्वेश्चन भी हो गए. तो दोस्तों के साथ यार ज़रूर शेयर करना वीडियो को, जितना हो सके व्हाट्सएप पर इसका छोटा वीडियो बना के शेयर कर देना है ना, या फिर इसका लिंक शेयर कर देना. और लास्ट चीज़, अगर यार पहली बार आया हो तो लाल वाले बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ठीक है, जिससे अगला वीडियो जब हम डालेंगे पार्ट 4 इसका, जिसमें हम इनपरफेक्शन पढ़ेंगे सॉलिड का, इफेक्ट्स वगैरह पढ़ेंगे, फिर बैंड पढ़ेंगे, और इसके जो क्वेश्चन करेंगे वो सब आपको मिल सकें. और आपको अगर फुल कोर्स अगर देखना हो बच्चे, पूरा एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स एक अरेंजमेंट में देखना हो, तो उसके लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो हमारे वेबसाइट पर जाकर genius learning classes.com पर. ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद बच्चों, बाय बाय.